हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम उनकी सभी प्रॉपर्टीज को, उनके अकरेंस को, उनके डिफरेंट बिहेवियर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम और पोलोनियम। तो इनको हम क्या बोलते हैं, चालकोजन्स। इनको हम चालकोजन्स कहते हैं। तो जो ये नेम है, ये कहाँ से आया है? दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास एंड इट पॉइंट्स टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कॉनगेनर्स, मतलब इसके डिफरेंट फॉर्म्स विद द कॉपर। तो सल्फर के एसोसिएशन विद कॉपर या उसके डिफरेंट फॉर्म्स के एसोसिएशन विद कॉपर, तो यहाँ से हमने ये नेम जो है वो उठाया है, चालकोजन्स। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली सल्फर जो है हमारा वो कॉपर वगैरह के साथ कंबाइन करता है। मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन आइदर द ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रीक्वेंटली द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो दिस चालकोजन्स मींस द ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है कि ओवर बनाने वाले एलिमेंट्स। तो कॉपर की जो भी मिनरल्स होते हैं उसमें आइदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और सल्फर। नाउ कम्स द अकरेंस। सो जो ऑक्सीजन है हमारी, वो हमारी मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ प्रेजेंट है। मतलब सभी एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है हमारी, इट फॉर्म्स दी 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। और जो ड्राई एयर है उसके अंदर अबाउट 20.946% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज प्रेजेंट। तो जो अबंडेंस है सल्फर की अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो कितनी है, बस 0.03 to 0.1%। Combined sulfur exists either as the sulfates, जैसे कि gypsum, that is the calcium sulfate, water, epsom sulfate, barite, sulfides like galena, zinc blend, copper pyrites. तो इस तरीके से sulfur जो है हमारा वो present होता है। और कुछ traces जो है sulfur की, they exist as the hydrogen sulfide in the volcanoes. हमारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैसे एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल, सबके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सल्फर होता है। आपके बालों में भी सल्फाइड लिंकेजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सिलेनियम और टेलूरियम जो है, दीज आर फाउंड एज दी मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलोराइड्स इन दी सल्फाइड ओर्स। पोलोनियम जो है, इट अकर्स इन द नेचर बिकॉज ऑफ दी डिके ऑफ दी थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। सो इट अकर्स एज अ डिके प्रोडक्ट। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इनकी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इट विल बी NS2 NP4। तो ये इनकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आता है फिर इनका यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है वो क्या करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस। मतलब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो शेल्स का नंबर है, नंबर ऑफ शेल्स, इट इज इंक्रीजिंग। तो शेल्स का नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो रेडियाई है वो इंक्रीज करेगा। पर जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्मॉल होता है। मतलब वो हमें लगा कि हाँ भी सही होना चाहिए, तो कुछ उसका अलग से ही एक्सेप्शनली स्मॉल बिहेवियर उसका आता है। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो भी अब यहाँ पे हैं, इनका जो एटॉमिक रेडियाई है इट विल बी लेसर देन दैट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि देयर विल बी ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस। इस वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है ग्रुप 16 में हमारा कम हो जाएगा। इसलिए ग्रुप 16 का जो साइज है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्रुप 15। नेक्स्ट कम्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है हमारी, वो कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है कि क्या होता है, हमारा जो साइज है वो इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती जाएगी। अब जो आयनाइजेशन एलिमेंट्स है इस ग्रुप के, उनकी लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15। क्योंकि ग्रुप 15 में क्या है, आपके पास स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है।
तो ग्रुप 15 हैज स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होती है कॉन्फ़िगरेशन वो हमारी काफ़ी स्टेबल होती है. तो कोई क्यों चाहेगा कि वो स्टेबल हो कि फिर मतलब अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के वो अनस्टेबल हो जाए, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल है. इसलिए ग्रुप 16 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, पर ग्रुप 15 की बिकॉज ऑफ दी एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है. इसी पे भी जब ये क्वेश्चन है कि जो हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप 15. तो व्हाई दिस इज अकरिंग, क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रुप 15 में क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ग्रुप 15 की वो ज़्यादा होगी और ग्रुप 16 की कम होगी. फिर आती है हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट नेचर इट हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर. तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन चाहेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, तो यहाँ पे क्या है कि इनके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है टू अटेन दी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इनकी जो टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा है, इसलिए इनकी जो दे हैव दी लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहले होती है हैलोजन्स की, उसके बाद आती है हमारी ये ग्रुप 16 की. पर ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम है, मतलब अपने ग्रुप में. इसका रीज़न क्या है कि इसका जो साइज है वो स्मॉल साइज का है, मतलब ऑक्सीजन इज ऑफ स्मॉल साइज, इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या है कि ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से क्या है कि यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दी अदर मेम्बर्स. सो बट फ्रॉम द सल्फर ऑनवर्ड्स द वैल्यू अगेन बिकम्स लेस नेगेटिव अप टू दी पोलोनियम. तो सल्फर से लेके फिर पोलोनियम तक जाओगे तो आपकी जो वैल्यू है ये फिर से कम नेगेटिव होने लगेगी. अब आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो सबसे पहले फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन कम्स द ऑक्सीजन. और जब हम ग्रुप में होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारी वो क्या करती है, डिक्रीज करती है जैसे ही हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है. तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या हुई, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और हमारी जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करेगा. अब आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये क्या है, नॉन मेटल्स है, और हमारा जो सिलेनियम और टुलेरियम है ये क्या है, मेटलॉइड्स है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लाइक करती है. और जो पोलोनियम है वो क्या है, मेटल है. पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव है, इस वजह से ये शॉर्ट लिव्ड भी है, इसकी हाफ लाइफ इज अराउंड 13.8 days. सो ऑल दीज एलिमेंट्स दे एग्जिबिट द एलोट्रॉपी, दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट. इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप. मतलब आप डाउन द ग्रुप गए, एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीजेस, तो यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर. इसका रीजन क्या है कि जो ऑक्सीजन है हमारी वो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पर जो सल्फर है हमारा वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो नाउ कम्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को. तो क्या है कि जो हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी जो होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब -2, तो ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. जो पोलोनियम है इट हार्डली शोज दी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है. पर इन केस ऑफ OF2 इसको +2 शो करना पड़ता है क्योंकि अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसमें से +4 और +6 ज़्यादा कॉमन है. सल्फर सिलेनियम और टेलरियम ये क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे इन देयर कंपाउंड्स विद दैट आर फॉर्म विद द ऑक्सीजन. और जो इनके कंपाउंड फ्लोरीन के साथ बनते हैं तो उसमें ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं.
स्टेबिलिटी जो है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या करती है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और जो स्टेबिलिटी है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या करती है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो जैसे जैसे नीचे गए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, प्लस सिक्स की स्टेबिलिटी कम होती गई और प्लस फोर की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई. और बॉन्डिंग जो हमारी प्लस फोर और प्लस सिक्स में होती है वो कैसे उसका नेचर होता है, इट इज प्राइमरली कोवेलेंट इन नेचर. अब आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. सो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द पी ब्लॉक दैट आर प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड, इट अकर्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, और H2S में ऐसी कोई बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट नहीं होती. तो इसका स्मॉल साइज और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके अंदर क्या है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है. अब इसमें डी ऑर्बिटल्स तो है नहीं ऑक्सीजन में, तो इस वजह से इसकी जो कोवेलेंसी है वो 4 ही रहती है एंड रियली इट एक्सीड्स 2. तो इसकी जो मतलब लिमिट क्या होगी कोवेलेंसी की, 4 ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते. और बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के उन वो अपने वैलेंस शेल को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए उनका जो कोवेलेंस की वैल्यू है वो 4 को एक्सीड कर जाती है, मतलब 4 से ज्यादा उनकी यहाँ पे कोवेलेंस जो है वो हो जाती है. अब हम बात करेंगे इनकी कुछ अलग से रिएक्टिविटीज विद डिफरेंट एलिमेंट्स. लाइक सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स को फॉर्म कर देते हैं. तो अब जो इनका एसिडिक नेचर है वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू H2TE. तो इसका रीजन क्या है कि इनका एसिडिक करेक्टर जो है वो H2O टू TE क्यों इंक्रीज करता है. तो इंक्रीज जो है हमारा एसिडिक करेक्टर का, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HE डाउन द ग्रुप. तो H2TE के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा H2E की फॉर्म में, तो जो HE की स्ट्रेंथ है मतलब डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम हो जाती है डाउन द ग्रुप. तो जैसे से नीचे जाओगे इजिली आपका H और E जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए नीचे जाते जाते आपकी जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है. तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या करेगी आपकी H2O से H2PO तक डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही हमारी कम होती जा रही है इस वजह से क्या हो रहा है कि इजिली ये आपस में डिसोसिएट हो पा रहे हैं. जितने के जितने हाइड्राइड्स होते हैं एक्सेप्ट वाटर, इनके पास क्या टेंडेंसी है कि दे पोजेस द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और ये जो करेक्टर है हमारा ये इंक्रीज करता है फ्रॉम H2S टू H2TE. तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो है इनका वो इंक्रीज करता है. नाउ कम्स देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. तो ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के ऑक्साइड्स बनाएंगे लाइक EO2, EO3, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा E जो है वो SO2, SO3 हो सकता है, SeO2, SeO3 हो सकता है. तो इस तरीके से ये ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं. ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारी गैसेस है, जबकि सिलेनियम डाइऑक्साइड जो है हमारे वो सॉलिड होता है. और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है हमारी डाइऑक्साइड की वो क्या करती है, डिक्रीज करती है फ्रॉम SO2 टू TeO2. जो SO2 है हमारा वो क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का है, और जो TeO2 है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है. तो अब इसका रीजन क्या है कि जो हमारा प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करती है, मतलब सल्फर के केस में वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब सल्फर इज मोस्ट स्टेबल इन प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट देन प्लस फोर, इसलिए SO2 जो है हमारी वो क्या करेगी, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. एंड द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स इट डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू टेलुरियम, इस वजह से क्या होगा कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है हमारे डाइऑक्साइड का वो डिक्रीज करेगा और उनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो इंक्रीज करेगा. इस वजह से TeO2 क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. अब इनकी रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स. तो जो हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे EX6, EX4, EX2. तो E यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है हमारे ग्रुप 16 का और X हमारा हैलोजन है. स्टेबिलिटी जो है हमारी हैलाइड्स की उसका ऑर्डर क्या होता है,
F minus की सबसे ज्यादा, फिर Cl minus की, फिर Br minus की, फिर I minus की। तो अगर हम hexahalides की बात करते हैं, तो उसमें hexafluorides are the only stable halides, जैसे कि SF6, तो ये हमारा काफी ज्यादा स्टेबल है। तो अब आता है हमारे all hexafluorides, these are gaseous in nature and they have the octahedral structure. अब जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है वो हमारा क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रीजंस। अगर हम टेट्राफ्लोराइड्स की बात करते हैं तो SF4 जो है वो गैस होती है, SeF4 वो लिक्विड, TeF4 जो है हमारा वो सॉलिड होता है। वो जो ये फ्लोराइड्स है इनकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड दैट्स व्हाई दे हैव द TBP स्ट्रक्चर, जिसमें एक लोन पेयर जो है हमारा वो कौन सी साइड को ऑक्यूपाई करेगा, इट विल ऑक्यूपाई द इक्विटोरियल पोजीशन। सो दिस ज्योमेट्री इज आल्सो रेफर्ड टू एज फिर सी सो। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम दे फॉर्म द डाइक्लोराइड्स एंड डायब्रोमाइड्स एंड दीज डायहैलाइड्स दे आर फॉर्म्ड बाय द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। वेल नोन मोनोहैलाइड्स दे आर डायमेरिक इन नेचर, जैसे S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2, तो इस तरीके से ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जो ये डायमेरिक फॉर्म है इनके पास टेंडेंसी होती है सो एज टू अंडरगो दी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिससे Se2Cl2 जो है हमारा वो क्या करेगा, SeCl4 में भी कन्वर्ट हो जाएगा और Se में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में गया +4 और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया दैट इज 0। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमें क्या दिखाता है, अपना डिसप्रोपोर्शनेशन नेचर। नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि जो H2S है हमारा वो कम एसिडिक है पर H2TE ज्यादा एसिडिक है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे H और E इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, मतलब यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या होगा कि जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो एसिडिक करेक्टर जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा। सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। थैंक यू।